हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धुरकिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मिजाज आपके? बारिश के मौसम में तो मिजाज अच्छे ही रहेंगे। दोस्तों, आईटीआई के बच्चों के लिए अभी ये लॉकडाउन में आईटीआई का संपर्क नहीं है और कोई पूरा इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस भी नहीं है, तो इसकी वजह से आपको जो बातें आईटीआई में इकट्ठा करके सेमिनार के तौर पे करते हैं, जो बातें रखते हैं आपके सामने, वो अभी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेमिनार ओवरसीज़ का हार्दिक मेहता साहब के साथ किया, एक सेमिनार अश्विन त्रिवेदी सर का किया प्लेसमेंट ऑफिसर के तौर पे। अगले इतवार को हम चेतन दवे साहब से भी मिलने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस यूट्यूब चैनल के संपर्क में रहिए ताकि आपको आईटीआई के बारे में पूरी जानकारियां मिलती रहें और आपको क्या करना है उसका भी पूरा गाइडेंस मिलता रहे हैं। अगर आप आईटीआई करने वाले हैं या फिर आईटीआई कर रहे हैं या फिर आईटीआई कर चुके हैं, आप अगर आईटीआई के साथ किसी भी तरह जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपका करियर गुरु, आपका आईटीआई गुरु, आपको आईटीआई में करियर कैसे बनाते हैं उसका पूरा गाइडेंस देता रहूँगा। मेरा भी परसों आईटीआई की सक्सेस स्टोरी में मैंने बात रखी थी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक आईटीआई होल्डर ही हूँ और आज 25 साल से आईटीआई में ही सेवा कर रहा हूँ सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर के तौर पे, और आजकल गिर सोमनाथ में अप्रेंटिस एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहा हूँ। हालांकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी फेक चैनलें भी चल रही हैं, जो फेक न्यूज़ भी चलाते रहते हैं, जैसे भी तैसे भी करके बच्चों को गुमराह भी कर रहे हैं, तो सोचा कि चलो कोई एक ऐसी जगह आपके लिए मुकरर की जाए जहां आपको सही जानकारियां मिले, ऑथेंटिक आपको बातें मिलती रहें। इसके लिए मैंने ये चैनल शुरू की है, जितेंद्र धुड़किया। आप हर एक वीडियो को ज़रा देखिए गौर से लास्ट तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नई बात मैं यहाँ से रखूँ आज उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। बातें अच्छी लगे आप लाइक करें शेयर करें तो ठीक है, वरना अपने तक रखे तो भी कोई बात नहीं है, पर आप आईटीआई के लिए अगर कुछ है और आईटीआई अपने शौक के तौर पे किया है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईटीआई के बारे में कि भाई आईटीआई में हम लोग क्या करते हैं, टूल्स की जानकारी लेते हैं, इक्विपमेंट की जानकारी लेते हैं। जो भी ट्रेड है हमारा, अगर वायरमैन है तो प्लायर सीखते हैं, टेस्टर सीखते हैं, सब मीटर वगैरह सीखते हैं। अगर ऑटोमोबाइल के हैं तो हम फिक्स स्पैनर सीखते हैं, एलंकी स्पैनर सीखते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। अगर फीटर है तो हम फाइल के बारे में सीखते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में सीखते हैं, वर्नियर कैलिपर के बारे में सीखते हैं, जो भी टूल आते हैं उनके बारे में हम सीख लेते हैं। हम स्किल भी अच्छी तरह ले लेते हैं, पर उसके बाद कहीं ना कहीं हम आलस से भर जाते हैं या तो फिर दूसरी जगह पे कन्वर्ट हो जाते हैं। दो चार महीने यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, अगर आईटीआई में कोई हमारे जैसी जॉब मिली तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं या फिर कोई 11वीं 12वीं में लग जाता है, तो क्या करते हो? हमें ऐसा नहीं करना है। हमें आईटीआई में जो अपने ट्रेड के टूल्स के बारे में सीखा है जाना है, उसी तरह करियर के भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, उस टूल्स के बारे में जानना है और उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है।
हम अगर उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छी तरह से अपनी करियर बना सकते हैं उसमें। पर अगर आपको जल्दी है तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको थोड़ी धीरे धरनी होगी। तो ITI के करियर टूल ये है कि आपको थोड़ा बेसिक कंप्यूटर सीख लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना है, आपका बढ़िया सा रिज्यूम तैयार कर लेना है, इंग्लिश का नॉलेज ले लेना है, पूरा का पूरा सोशल मीडिया क्या करता है, कैसे समाचार देते हैं आपके लिए, वो सब देखना है। जैसे मैंने कहा था, त्रिवेदी साहब ने भी कहा कि फेसबुक के ऊपर बहुत सारे पेज है जहाँ पे ITI के बच्चों के वैकेंसीज़ के बारे में, उनके जॉब के बारे में सब जानकारियाँ देते रहते हैं। तो आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहिए, YouTube पे ये जो चैनल है उसको देखते रहिए, बातें सुनते रहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखना है, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ आपको और स्टेट के वाले भी साहब लोग मिलेंगे, तो सबसे आपको मुखातिब होना है। तो ITI में जो आपने अपने ट्रेड के जो टूल सीखे हैं उसी तरह ये करियर के टूल्स सीख लीजिए। ये जो टूल्स मैंने बताए इस सब के बारे में मेरा वीडियो मैंने बना के रखा है कि आपको इंग्लिश नॉलेज कैसे लेना है, सोशल मीडिया में कैसे एक्टिव होना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, रिज्यूम कैसे बनाना है, बेसिक कंप्यूटर क्या चीज़ है, उसका कितनी अहमियत है, सबके बारे में बात की है। तो कृपया आप कहीं भी भटकिए मत, आपने ITI कर लिया है काफ़ी है, आने वाले दिन हमारे ही हैं और ITI वाले के ITI वालों बच्चों जो हैं उन्हीं को कुछ ना कुछ मिलेगा। आप अगर 12वीं कक्षा करके फिर अगर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर कोई महारत हासिल करेंगे, कोई मास्टर डिग्री लेंगे, तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। पर ITI एक ऐसा शॉर्टकट है कि आपको 10वीं या 8वीं कक्षा पास करके सिर्फ ITI कर लिया तो बाकी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, आप उसी में अपना करियर बना सकते हैं और जितना चाहे अपना स्वरोजगार करना चाहे तो आप छोटा मोटा 5,000 से लेकर 10,000 तक का कोई भी मशीन घर पर बिठा के पेन की रिफिल को अगर आप बनाएंगे ना तो उसका मशीन सिर्फ 10,000 में आता है, उसमें से आप पेन की रिफिल तैयार करके जो आपके गांव में स्टेशनरी स्टोर है वहां पे सप्लाई करेंगे तो आपको 500,000 रुपया रोज़ का मिल सकता है। चप्पल बनाने का है, LED बनाने का है, बहुत सारे ऐसे हैं स्मॉल स्केल कि जो आप अपने बरामदे में मशीन रख कर भी काम कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर में आप जाए तो छोटा मोटा गैरेज, वायरिंग का काम, प्लम्बिंग का काम, फिटिंग का काम कर सकते हैं। और कोई भी आदमी, आप धीरू भाई को देखेंगे तो धीरू भाई की रिलायंस इंडस्ट्रीज आज इतनी बड़ी है, पर उसने कारोबार किया था एक बोरी हल्दी लेके अंधेरी के ऑफिस में बेचने का। आप अगर चोरवाड़ जाए तो ज़रा देखना वहाँ पर, तो कोई भी आदमी एक दिन में बड़ा नहीं बन जाता, एक महीने में बड़ा नहीं बन जाता, एक साल में बड़ा नहीं बन जाता, उसको 5 साल का एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, 10 साल का एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना पड़ता है, तब जाके वो किसी में सक्सेस होता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आज ही आपको अच्छी नौकरी मिल जाए और आज ही आप कहीं पर सेटल हो जाए और कल आपको बाइक मिल जाए, परसों आपको 4-व्हील मिल जाए, नर्सों आपको एक बंगला मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको 5 साल का एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। 5 साल अगर आप धीरज से जो ट्रेड किया है उसी में डटे रहेंगे, उसके साथ मैंने ये जो कहा वो टूल्स साथ में लेते रहेंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि आपके जो भी ख्वाब है, जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी इच्छाएं हैं, सब पूरी होगी। पर आपको धीरज ज़रूर रखनी है और ये करियर के लिए जो टूल है उसको इस्तेमाल करना है। आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं हर कमेंट रात को देखता हूँ, सुनता हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ। और आपको कोई परेशानी है तो आप लिखिए, मैं उसका वीडियो बनाऊँगा, आपसे बात करूँगा, ठीक है। और आप ITI के ट्रेड को छोड़ के कहीं भी जाइएगा मत, और इस चैनल के साथ संपर्क बनाए रखिए, मैं आप ही के लिए हूँ।
हम ITI में पूरा का पूरा स्टाफ आपकी सेवा में ही है, आपके गाइडेंस के लिए ही हैं। आपको जो भी करना है आप ज़रा सोच समझ के कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों यहाँ तक जुड़ने के लिए। यह वीडियो आपने यहाँ तक देखा इसका मतलब ये है कि आप वाकई सिंसियर बॉय हैं और ज़िंदगी में कुछ करना कुछ बनना चाहते हैं। तो मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ जितेंद्र धुड़कीया, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन आपको नए नए वीडियो के अगर चाहिए तो उसको भी ऑन कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।